उन सभी बातों से निवृत्त कर दे। उन सभी बातों को, उन सभी आत्माओं को निवृत्त करते जाएं। मन को ये समझाए वो बातें, वो कारोबार, वो आत्माएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना प्रभु मिलन आवश्यक है। शिव बाबा से मिलन मनाने जा रही है तो मन को ट्रेन करें, प्रोग्राम दे दें कि उन बातों से अपने आप को डिटैच करते जाए, उसको लाइटली ले लें। फील करते जाएं कि मन डिटैच होता जा रहा है, सबकॉन्शियस लेवल तक डिटैचमेंट, कंप्लीट नष्ट मोह, कंप्लीट चित्त पर भी कोई बातें ना रहे, कोई आत्माएं ना रहे, कोई कारोबार ना रहे। मन एकदम लाइट, हल्का। ट्रेन करें सबकॉन्शियस माइंड को भी, ट्रेन कर दें कि बातें बड़ी नहीं है अगर वो गहरी भी मानस पटल पे उतर गई हो तो भी उसे लाइट बना दे। शिव बाबा को सौंप दे, सरेंडर कर दे। जो हमारे वश में भी नहीं है, जिसका सल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, उन बातों को भी बाबा को सौंप दे, कंप्लीटली सौंप दे। और बाबा को कहे कि बाबा ये सारी बातों को आपको सौंप रहे हैं, अब आपकी जवाबदारी है इसे ठीक करना। बाबा जैसे करे, कंप्लीट निश्चय बुद्धि, सरेंडर, और बाबा से निश्चिंतता धारण कर ले। बुद्धि को भी प्रोग्राम दे दे इस सारी बातों से, सारी उन आत्माओं से हमें निवृत्त होना है। मेंटली फ्री, एक संकल्प भी ना चले। और उन सभी बातों को शुभ भावना, शुभ कामना देकर बाबा को सौंप दें, जिसका बोझ
स्वयं भगवान ने उठा लिया। जिन बातों की जवाबदारी स्वयं भगवान ने ले ली हो, उन बातों को अकल्याण भी कल्याण में बदलना निश्चित है, ये निश्चय कर लो। और आप एकदम लाइट हो जाओ, एकदम हल्के, फील करते जाए वो हल्कापन, वो डिटैचमेंट, जहां कोई बातों का आवरण नहीं, जहां छोटी छोटी बातें टिकती नहीं, जहां कोई आत्माओं का अच्छा या बुरा व्यवहार आकर्षित न कर, ऐसे मन और बुद्धि को हम तैयार कर लें, क्योंकि हमें दुनिया की सारी हाईएस्ट अथॉरिटीज से मिलन मनाना है, उनके साथ अपना समय देना है, उनके लिए इस जीवन को देना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते मन और बुद्धि कंप्लीटली बाबा की हो गए, अब मन और बुद्धि लाइट एकदम लाइट, रूई से भी हल्की, कोई पास्ट का रिपीटेशन नहीं, कोई पास्ट प्रेजेंट इंप्रेशंस नहीं, एकदम प्लेन बुद्धि, एकदम स्वच्छ बुद्धि और निर्मल मन, कोई बातें आए भी, अगर स्मृति में भी आए तो उन्हें केवल शुभ भावना और शुभकामना, यही सकाश है। सात गुणों की उन्हें शक्तियां दे, रेज दे दे और उन बातों को समाप्त कर दे। गलत सिचुएशन को भी यह सकाश एकदम सही कर देंगे। अपने मानस पटल पे कोई इंप्रेशंस ना रखें, अच्छा बुरा, उसमें ड्रामा की बिंदी लगा दें। पूर्वज जीवन माफ कर दें,
और अब उड़ने की तैयारी करें। अब आत्मा को इस शरीर से डिटैच करें, कंप्लीट डिटैच। पैरों की, हाथों की, शरीर के हर हिस्से से जो चेतना है वो जैसे समाप्त होती जा रही है और उसे ब्रुकटी में केंद्रित कर दे। धीरे धीरे सारे शरीर की चेतना समाप्त हो गई, शरीर डेड अवस्था में पड़ा है। विजुअलाइज करें, देखें और फील करते जाएं। शरीर का भी बोझ नहीं, शरीर की कोई बीमारी भी हमें उठने से रोक नहीं सकती। कंप्लीट डिटैच, सारी शक्ति, सारी चेतना उस प्रकृति में केंद्रित हो चुकी है। अब आत्मा उड़ने के लिए उस पावरफुल बिंदी से मिलन मनाने के लिए तैयार है। एकदम लाइट, एकदम पावरफुल, चारों तरफ प्योरिटी का प्रकाश ही प्रकाश, असीम पवित्रता। और आत्मा उड़ चली उस वतन में, उस परम धाम में, अपने सारे दिन की थकान उतारने के लिए, अपने सारे दिन का बोझ हल्का करने के लिए। जैसे ही परम धाम में एंटर होते हैं, चारों तरफ गोल्डन रेड लाइट का प्रकाश ही प्रकाश है। कुछ पल के लिए उस प्रकाश में अपने आप को समा जाए, खो जाए। ऐसा प्रकाश ऐसी शक्ति जो पहले कभी नहीं महसूस की, जिन्हें शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। ऐसी पवित्रता,
ऐसी शांति, जहां अशांति शब्द की भी अविद्या हो, कुछ पल के लिए उस अनुभूति में खो जाए। और गहरे हो जाए, गहरे उतर जाए। प्रकाश की पावरफुल किरणों से पवित्रता की पावरफुल किरणों से मन और बुद्धि की 63 जन्मों की थकान जैसे उतर गई। आत्मा अपने आप को एकदम फ्रेश, एकदम शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिमान महसूस कर रही है। शिव बाबा की प्रेजेंस, शिव बाबा की पावरफुल दृष्टि मात्र से आत्मा अपने आप को एकदम भरपूर महसूस कर रही है। वो पवित्रता का सागर हमें गुण और शक्तियों से मन और बुद्धि के जैसे पैर दबा रहा है। स्वयं बाबा हमें भरपूर कर रही है।
त्रेसठ जन्मों की थकान और प्यास जैसे खत्म हो चुकी है। ऐसे बाबा से आज हम मिलन मना रहे हैं। एक अलग ही एंथुसियाज्म है, उत्साह है, खुशी है। मिलने की बेसब्री है, अब वो बेसब्री, वो इंतजार समाप्त हुआ। वह मन का मीत जो मेरा अपना है, जिस पर मेरा पूरा अधिकार है, संपूर्ण अधिकार, जिसकी स्मृति मात्र से उनके साथ का एहसास महसूस होता है। ऐसे शिव बाबा से मैं मिलन मना रही हूं। खो जाए उस पवित्र दुनिया में, उस शक्तिशाली दुनिया में, जिसे हम परमधाम कहते हैं। वो मेरा अपना घर है, कंप्लीट रिलैक्स करने का स्थान है, आत्मा अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कर रही है, बहुत ही हल्की महसूस कर रही है, जैसे अपने घर में महसूस करती है। शिव बाबा से शक्तियां भी लेती जा रही है, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, और 16 कलाएं सब बाबा से हम लेते जाएं और रिलैक्स होते जाएं। एकदम रिलैक्स, फील करें, अनुभव करें, ऐसी अनुभूति ऐसी फीलिंग
जो हम बहुत काल तक अपने साथ लेकर चलेंगे, अविनाशी फीलिंग है, अविस्मरणीय फीलिंग है। डूबते जाए उस सागर में, उस पवित्रता के सागर में गहरे उतरते जाए और गहरा और गहरा। जहां मन की कोई हलचल नहीं, बातों की कोई हलचल नहीं, संस्कारों की भी कोई हलचल नहीं, अपने आदि और अनादि स्वरूप में स्थित हो जाए, एकदम स्थित, एकाग्र, जहां केवल मैं और बाबा, केवल मैं और बाप दादा, deep silence, avinashi shanti, shakti ke saath feel karte jaye। न संकल्पों की हलचल, मन भी इस फीलिंग के साथ बहुत एंजॉय कर रहा है, जैसे एकाग्र हो चुका है। उस अनुभूति में खो चुका है, कोई परिस्थिति जहां डिस्टर्ब नहीं कर सकती, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, परिस्थिति जैसे समाप्त हो चुकी है। शिव बाबा के साथ से परिस्थिति में जैसे दासी बन गई, और हमारी आज्ञा का वेट कर रही है, हम धीरे धीरे इसी अनुभूति के साथ इसी हल्के मन के साथ
इस सुखद फीलिंग के साथ हम फरिश्ता बन अतीन्द्रिय सुख के उड़न खटोले में बैठ सूक्ष्म वतन पहुंचे बाप दादा से दृष्टि ले बाप दादा से वरदान ले शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कंबाइंड रूप में जो सेवाएं कर रहे हैं उनके हम सहयोगी बने उनसे इतनी शक्तियां ले ले जो वो स्टॉक कभी खत्म ना हो और चले उनके साथ हाथ में हाथ धरे सारे विश्व की आत्माओं को सकाश दे सारे विश्व की आत्माओं को इमर्ज करें प्रकृति को इमर्ज करें जो युद्ध में मन और बुद्धि और तन से पीड़ित आत्माएं हैं उन्हें इमर्ज करें और उन्हें शांति शक्ति परमात्मा स्नेह संतुष्टता और समाधान की किरणें दे बाबा से लेते जाए और उन्हें देते जाए धीरे धीरे बाबा से पावरफुल दृष्टि लेकर बाप दादा रिटर्न में हमें शक्तियां गुण देकर जैसे हमारी जन्मों जन्मों की थकान समाप्त कर रहे हैं उतार रहे हैं फील करते जाएं, महसूस करें और धीरे धीरे इन सुखद स्मृतियों से इन शक्तियों के स्टॉक से को साथ में लेकर और उस प्यारे बाबा को बाप दादा को साथ लिए हम दोबारा इस शरीर में प्रवेश करते आत्मा इतनी शक्तिशाली और पावरफुल बनी है जैसे ही शरीर में प्रवेश करती है वो शक्तिशाली किरणें वो पावरफुल किरणें पावरफुल रेस का काम कर रही है जो सिटी स्कैन और एमआरआई भी नहीं कर सकते ऐसी पावरफुल किरणें
और जो भी इस शरीर में जिसको जो भी बीमारी है वो किरणों से वो बीमारी समाप्त हो चुकी है। पावरफुल किरणें दे उस पार्ट को, एकदम पावरफुल रेज दे। जैसे वो रेडिएशन की लाइट है, और महसूस करे कि वो बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी। शरीर की थकान भी खत्म, अब शरीर वही है लेकिन उसमें एक बच्चे की स्फूर्ति आ गई है, एक नयापन आ गया है। बाबा ने शरीर की थकान भी समाप्त कर दी, शरीर एकदम लाइट, आत्मा भी लाइट। आत्मा शरीर में सेवा अर्थ इस साकार लोक में उतरी है, लेकिन मन और बुद्धि अभी भी उस शिव बाबा में अटका हुआ है। हमारे बाप दादा में अटका हुआ है और हम अटके ही रहने दें और सारा कार्य करने के लिए शरीर को ऑर्डर करें। इन्हीं स्मृति के साथ, इसी स्थिति के साथ बहुत ही शांति से स्नेह पूर्वक हर कार्य को संपन्न करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।